हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आई एम ओम प्रकाश सैनी और आज हम जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से हम आप तक विभिन्न प्रकार के आपकी आवश्यकता के अनुसार नोट्स उपलब्ध करवाएंगे आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिखकर हमें व्हाट्सअप करना है आपको तुरंत आपके सब्जेक्ट के और आपकी क्लास के पूरे नोट्स जो भी अवेलेबल होंगे वो सेंड कर दिए जाएंगे हमारे जो व्हाट्सअप नंबर रहेंगे वो हैं छियासी छियानवे साठ पिचासी इकतालीस आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस पर कॉल ना करें कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इस पर कॉल करते हैं थैंक यू सो मच परिचय बेटा मैं जीत रहा हूं मुझे सिर्फ पासे पर केवल चार चाहिए और मैं जीत जाऊंगा अब तुम क्या करोगे मुझे पता है लेकिन मुझे चलने तो दीजिए अब मेरी बारी ओह नहीं ये तो तीन है वाह मुझे एक और मौका मिल गया अगली बार मैं जीत जाऊंगा आप परिणाम को लेकर इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं नहीं बेटा हम केवल परिणामों की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं प्रायिकता किसी चीज के होने की संभावना होती है बच्चों इस पाठ में आप यादृच्छिक परीक्षणों की प्रायिकता ज्ञात करना सीखेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे यादृच्छिक परीक्षणों के परिणाम और प्रतिदर्श समिष्टि ज्ञात करना प्रायिकता में घटनाओं के परिणाम जानने और उनका विश्लेषण करना घटनाओं की प्रायिकता जानना यादृच्छिक परीक्षण हमारे दैनिक जीवन में हम परीक्षण करते हैं जैसे दो चुंबकों को पास लाना इत्यादि हम जानते हैं उपरोक्त परीक्षण को जितने चाहे उतनी बार दोहराया जा सकता है हर बार परिणाम समान रहेगा ऐसे परीक्षणों को निश्चयात्मक परीक्षण कहते हैं लेकिन हम ऐसे परीक्षण जैसे अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी में से पत्ते निकालना भी करते हैं जिनमें परिणाम निश्चित नहीं होते बल्कि परिणाम विभिन्न संभावित परिणामों में से एक हो सकता है ऐसे परीक्षणों को यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं अतः एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हों परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव न हो परिणाम और प्रतिदर्श समझती किसी यादृच्छिक परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहते हैं और यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समिष्टि कहलाता है इसे संकेत एस द्वारा प्रकट किया जाता है आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि पासे फेंकने का परिणाम दोनों बार भिन्न है अतः इसे यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं उदाहरण एक सिक्के को उछाला जाता है और यदि चित्त आता है तो सिक्का फिर से उछाला जाता है तथा यदि पट आता है तो पासा फिर से फेंका जाता है इस परीक्षण के लिए प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए हल पहले भाग में यदि सिक्का उछाला जाता है तो संभावित परिणाम एच या टी हैं यदि चित्त आता है तो सिक्का फिर से उछाला जाता है अतः एच 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 टी प्रतिदर्श अवयव होंगे और यदि पट आता है तो पासा फेंका जाता है इसलिए टी एक टी दो टी तीन टी चार टी पांच टी प्रतिदर्श अवयव होंगे इस प्रकार प्रतिदर्श समझती हैं एस बराबर एच 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 टी टी एक टी दो टी तीन टी चार टी पांच और टी छ किसी परीक्षण के एक या अधिक परिणामों को घटना कहते हैं एक घटना का घटित होना दो पासे फेंकने की एक घटना की कल्पना कीजिए मान लीजिए कि ई घटना दस से कम संख्या प्रकट होती है इसको व्यक्त करता है यदि वास्तव में पासे पर पांच प्रकट होता है तो हम कह सकते हैं कि घटना ई घटित हुई है यदि ग्यारह या बारह प्रकट होता है तो हम कहते हैं कि घटना ई नहीं घटित हुई है एक परीक्षण में कथित रूप से घटना ई घटित हुई यदि परीक्षण ए का परिणाम इस प्रकार है कि ई में सम्मिलित है घटनाओं के प्रकार असंभव व निश्चित घटनाएं इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें पासे फेंकने के एक परीक्षण में हम प्रतिदर्श समिष्टि निम्न प्रकार लेते हैं एस बराबर एक दो तीन चार पांच छ मान लीजिए कि घटना ई पासे पर शून्य प्रकट होने की संख्या है परीक्षण में शून्य प्राप्त करना असंभव है अतः घटना E बराबर फाई एक असंभव घटना है इसे रिक्त समुच्चय भी कहते हैं सिक्के उछालने के एक परीक्षण में निम्न प्रतिदर्श समिष्टि प्राप्त करते हैं S बराबर एच टी मान लीजिए कि घटना G है जिसका परिणाम H या T है अतः घटना G बराबर एच टी एक निश्चित घटना है सरल घटना यदि किसी घटना ई में केवल एक ही परिणाम हो तो इसे सरल घटना कहते हैं इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण द्वारा समझें पासे फेंकने के एक परीक्षण में प्रतिदर्श समष्टि है इस बराबर एक दो तीन चार पांच छह, अतः इस प्रतिदर्श समष्टि की छह प्रतिदर्श घटनाएं हैं ई एक बराबर एक ई दो बराबर दो ई तीन बराबर तीन ई चार बराबर चार ई पांच बराबर पांच और ई छह बराबर छह। मिश्र घटना यदि किसी घटना में प्रतिदर्श समृष्टि के एक से अधिक परिणाम हो तो उसे मिश्र घटना कहते हैं इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें पासे फेंकने के एक परीक्षण में हम निम्नलिखित प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त करते हैं एस बराबर एक दो तीन चार पांच छ मान लीजिए कि पासे पर अभाज्य संख्या प्रकट होने की घटना ई है अतः घटना ई बराबर दो तीन पांच मिश्र घटना है मान लीजिए कि घटना एफ पासे पर सम संख्या प्रकट होना है अतः घटना ई e, बराबर दो चार छ एक मिश्र घटना है मान लीजिए कि घटना ई e, पासे पर तीन के गुणज का प्रकट होना है अतः घटना ई e, बराबर तीन छ एक मिश्र घटना है घटनाओं का बीज गणित मान लीजिए एक्स वाई ऐसे प्रयोग से संबंधित घटनाएं हैं जिसकी प्रतिदर्श समझती एस है पूरा घटनाएं प्रत्येक घटना के सापेक्ष एक अन्य पूरा घटना होती है घटना एक्स की पूरा घटना एक्स डैश होती है जिसका अर्थ है एक्स नहीं इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं दो सिक्कों को उछालने की घटना की प्रतिदर्श समझती है एस बराबर एच टी TT। एच एच टी टी मान लीजिए कि घटना एक्स केवल एक चिताना है एक्स बराबर एच टी पूरा घटना एक्स डैश है एक्स डैश बराबर एच एच टी टी समानता एक्स डैश बराबर एस घटा एक्स घटना x या y, घटना x या y बराबर x सर्वनिष्ठ y. घटना x सर्वनिष्ठ y में वो सब अवयव सम्मिलित होते हैं जो या तो x में है या y में है या फिर दोनों में हैं इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें दो सिक्कों को उछालने की घटना की प्रतिदर्श समष्टि है s बराबर एच टी एच एच टी टी अब मान लीजिए कि घटना एक्स केवल एक चित आना है एक्स बराबर एच टी टीएच अब मान लीजिए कि घटना वाई दो चित आना है वाई बराबर एच एच घटना एक्स सम्मेलन वाई बराबर एच टी टीएच एचएच घटना एक्स और वाई घटना एक्स और वाई बराबर एक्स सर्वनिष्ठ वाई घटना एक्स और वाई में वे अवयव होते हैं जो एक्स और वाई दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं अर्थात जो एक्स और वाई दोनों में होते हैं इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं एक पासे को फेंकने की घटना की प्रतिदर्श समष्टि एस है एस बराबर एक दो तीन चार पांच छ अब मान लीजिए कि घटना X तीन का गुणज प्रकट होना है X बराबर तीन छ मान लीजिए कि घटना Y दो का गुणज प्रकट होना है Y बराबर दो चार घटना X सर्वनिष्ठ Y बराबर घटना X किंतु Y नहीं ये उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो X में तो हैं। लेकिन वाई में नहीं है इसे एक्स घटा वाई के रूप में लिखा जाता है और एक्स घटा वाई बराबर एक्स सर्वनिष्ठ वाई डैश इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं पासे फेंकने की प्रतिदर्श समिष्टि है एस बराबर एक दो तीन चार पांच छ अब मान लीजिए घटना एक्स तीन का गुणज प्रकट होना है एक्स बराबर तीन अब मान लीजिए घटना वाई दो का गुणज प्रकट होना है वाई बराबर दो चार छ अतः वाई डैश बराबर एक तीन पांच घटना एक्स सर्वनिष्ठ वाई डैश बराबर तीन परस्पर अपवर्जी घटनाएं कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक साथ नहीं घटित होती हैं मान लीजिए एक्स वाई ऐसी ही घटनाएं हैं एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर फाई यानी समुच्चय एक्स और वाई असंयुक्त हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो एक साथ नहीं घटित हो सकती हैं उदाहरण के लिए बाएं घूमना और दाए घूमना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते मान लीजिए एक प्रतिदर्श समिष्टि एस इस प्रकार है एस बराबर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ए बराबर तीन बराबर सात आठ लीजिए यहाँ ए सबनिष्ठ भी बराबर फाई है अतः ए और बी परस्पर अपवर्ची घटनाएं हैं ए और बी दोनों एक ही प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हैं लेकिन दोनों पूरी तरह से भिन्न हैं और दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकते निशेष घटनाएं जब एक प्रतिदर्श समष्टि एस कुछ परस्पर अपवर्जी घटनाओं में इस प्रकार विभक्त हो उनका सम्मिलन प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो तो इन घटनाओं को निशेष घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहते हैं इसे समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें एस बराबर एक दो तीन चार पांच बराबर एक दो बी बराबर तीन चार पांच और सी बराबर छीजे अतः घटनाएं ए बी और सी परस्पर अपवर्जी हैं क्योंकि ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर फाइव और ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर एस अतः घटनाएं ए बी और सी परस्पर अपवर्जी हैं उदाहरण एक पासा फेंका गया और परिणाम नोट किया गया है आइए परीक्षण से संबंधित निम्न परिणामों पर विचार करें ए तीन के गुणच बी एक सम संख्या सी एक विषम संख्या इन घटनाओं में से कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी है आइए हल करते हैं इन परीक्षण के लिए प्रतिदर्श समृष्टि है एस बराबर एक दो तीन चार पांच छ ए तीन बी दो छह छ तीन पांच ए सर्वनिष्ठ बी बराबर छ फाई के बराबर नहीं ये परस्पर अपवर्जीय घटनाएं है नहीं हैं बी सर्वनिष्ठ सी बराबर फाई ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं प्रायिकता की अभिगृहतीय दृष्टिकोण मान लीजिए किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि एस है प्रायिकता पी एक वास्तविक मानिए फलन है जिसका प्रांत एस का घात समुच्चय है और परिसर अंतराल शून्य है जो निम्नलिखित अभिग्रहित को संतुष्ट करता है एक किसी घटना ई के लिए शून्य से अधिक या बराबर पी ई एक से कम या बराबर दो तो पी एस बराबर एक तीन यदि ई एक ई दो खात समुच्चय एस के है ई एक और ई दो सम सम्भाव्य हैं यदि पी ई एक बराबर पी ई दो और ई e एक और ई e दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ई एक सम्मिलन ई e दो बराबर पी ई एक जमा पी ई दो जहां पी ई आई को घटना ई e की प्रायिकता कहते हैं सामान्यता मान लीजिए कि S प्रतिदर्श समष्टि है जिसके अवयव परिणाम L1, L2, L3 L1 L2, L3, तो एक L3 दो तीन इत्यादि Ln एन तक हैं S बराबर L1, एक L3 दो तीन इत्यादि Ln एन एक शून्य से अधिक या बराबर पी एल आई एक से कम या बराबर S में सम्मिलित प्रत्येक L I के लिए दो आई बराबर एक से लेकर एन तक की प्रायिकता का योग और तीन एल एक और एल दो संभाव्य हैं तो पी एल एक बराबर पी एल दो घटनाओं की प्रायिकता बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक उदाहरण लें दो पासे एक साथ फेंके गए हैं निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक संख्याओं का द्विक दो योग छह से कम हो तीन योग सात से ज्यादा हो हल एक ए बराबर सम संख्याओं का द्विक ए बराबर दो दो चार चार छ बराबर तीन एन एस बराबर छत्तीस वांछित प्रायिकता बराबर पी ए बराबर एन ए बटे एन एस बराबर तीन बटा छत्तीस बराबर एक बटे बारह दूसरा ए योग छह से कम हो ए बराबर एक 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 दो, दो एक दो दो तीन एक एक तीन चार एक एक चार तीन दो दो तीन एन ए बराबर दस एन एस बराबर छत्तीस वांछित प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एस बराबर दस बटे छत्तीस बराबर पांच बटे अट्ठारह तीसरा ए योग सात से ज्यादा हो ए बराबर पांच तीन तीन पांच छ दो दो छ चार चार छ तीन तीन छ पांच, 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 पांच चार चार पांच छ चार चार छ पांच पांच छ पांच पांच एन ए बराबर पंद्रह एन एस बराबर छत्तीस वांछित प्रायिकता बराबर पी ए बराबर एन ए बटे एनएस बराबर पंद्रह बटे छत्तीस बराबर पांच बटे बारह एक सम संभाव्य परिणामों की पी पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या दो घटना एक्स या वाई की प्रायिकता जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी ना हो, उनके लिए p x सम्मिलन y बराबर पी एक्स जमा पी वाई घटा पी एक्स सर्वनिष्ठ y। जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, उनके लिए p x सर्वनिष्ठ y बराबर शून्य p x सम्मिलन y बराबर पी एक्स जमा पी वाई तीन घटना x नहीं की प्रायिकता p x डैश बराबर p x नहीं बराबर एक घटा p x उदाहरण एक मशीन तभी काम करती है जब इसके तीनों भाग काम करते हैं एक वर्ष के दौरान पहले भाग के खराब होने की प्रायिकता शून्य दशमलव एक दो है दूसरे भाग की शून्य दशमलव एक एक और तीसरे भाग के खराब होने की प्रायिकता शून्य दशमलव शून्य सात है एक वर्ष के दौरान मशीन के खराब होने की प्रायिकता क्या है हल ई एक साल में पहले भाग के खराब होने की प्रायिकता है ई दो साल में दूसरे भाग के खराब होने की प्रायिकता है ई तीन साल में तीसरे भाग के खराब होने की प्रायिकता है पी ई -E एक तो, -E बराबर शून्य दशमलव एक दो पी ई दो बराबर शून्य दशमलव एक एक और पी ई तीन बराबर शून्य दशमलव शून्य सात पी मशीन खराब होने की बराबर पी कम से कम एक भाग के खराब होने की बराबर पी ई एक सम्मिलन ई दो सम्मिलन ई तीन बराबर एक घटा पी कोई भी भाग खराब नहीं होता है बराबर एक घटा एक घटा शून्य दशमलव एक दो एक घटा शून्य दशमलव एक 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 घटा शून्य दशमलव शून्य सात बराबर एक घटा शून्य दशमलव आठ आठ शून्य दशमलव आठ नौ और शून्य दशमलव नौ तीन बराबर एक घटा शून्य दशमलव सात दो आठ चार बराबर शून्य दशमलव दो सात एक अच्छी तरह फीटी हुई एक गड्ढी से एक पत्ता निकाला जाता है रंगीन पत्तों के आने का संयोगानुपात क्या है हल पत्तों की कुल संख्या बराबर बावन रंगीन पत्ते बादशाह बेगम और गुलाम होते हैं रंगीन पत्तों की संख्या और जो पत्ते रंगीन नहीं हैं उनकी संख्या बराबर बावन घटा बारह बराबर चालीस अतः रंगीन पत्ते ना आने की संभावना बारह अनुपात चालीस या तीन अनुपात दस है दो पासों को एक बार उछाले जाने पर योग नौ या ग्यारह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए हल इस प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या 6 गुणा छ बराबर छत्तीस है मान लीजिए कि e एक योग नौ प्राप्त करने की संख्या है e एक बराबर तीन छ चार पांच पांच चार छ तीन और ई दो योग ग्यारह प्राप्त करने की संख्या है ई दो बराबर छह पांच पांच छूकि ई एक सर्वनिष्ठ ई दो बराबर फाइव पी ई एक सम्मिलन ई दो बराबर पी ई एक जमा पी ई दो पी नौ या ग्यारह का योग बराबर चार बटा छत्तीस जमा दो बटा छत्तीस बराबर एक बटा अच्छा पास्कल और पियर डी फर्मेंट ने प्रायिकता के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है प्रायिकता सिद्धांत का प्रथम लिखित साक्ष्य 1550 में प्राप्त होता है लाप्लास के प्रायिकता पर बहुत कार्य हैं और उसने सांख्यिकी की कई तकनीकों और परिणामों की स्थापना की सारांश आइये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं यदि इसमें एक से ज्यादा परिणाम हों और परीक्षण का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सके किसी यादृच्छिक परीक्षण के संभावित नतीजे को इसका परिणाम कहते हैं और सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं तथा ये ऐसे व्यक्त किया जाता है किसी परीक्षण के एक या अधिक परिणामों को घटना कहते हैं घटना के प्रकार असंभव और निश्चित घटना सरल घटना और मिश्र घटना घटनाओं का बीज गणित एक पूरा घटनाएं दो घटना एक्स या वाई तीन घटना एक्स और वाई चार घटना एक्स किंतु वाई नहीं परस्पर अपवर्जी घटनाएं यह घटना है जो एक ही समय में नहीं हो सकती है निशेष घटनाएं जब एक प्रतिदर्श समझती एस कुछ परस्पर अपवर्जी घटनाओं में इस प्रकार विभक्त हो उनका सम्मिलन प्रतिदर्श समष्टि के बराबर हो तो इन घटनाओं को निशेष घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहते हैं सम संभाव्य घटनाओं की प्रायिकता पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या घटना एक्स या वाई की प्रायिकता, जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी ना हो उनके लिए पी एक्स सम्मिलन वाई बराबर पी एक्स जमा पी वाई घटा पी एक्स सर्वनिष्ठ वाई जो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, उनके लिए पी एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर शून्य पी एक्स सम्मिलन वाई बराबर पीएक्स जमा पी वाई घटना X डैश नहीं की प्रायिकता पीएक्स डैश बराबर X नहीं बराबर एक घटा पीएक्स